अगर तुम्हें बुलबुलिया को हराना है तो सबसे पहले उसके घर वालों को कमजोर करो। और ये होगा कैसे? तुम्हें रंजू के घर में घुसना होगा, उन्हें अपना बनाना होगा। तुम उन्हें घर के अंदर से तोड़ोगे और हम घर के बाहर से। 50 लाख का टेंडर था, अगर वो मिल जाता ना तो कायाकल्प हो जाता घर का, लेकिन गया। जरूर नौकरा पूजा में कोनो दोस्त रहा होगा, तभी तो ऐसी मनुष्य खबर के साथ गृह प्रवेश करना पड़ रहा है। जी सर, थैंक यू, ये तो बहुत खुशी की खबर है, थैंक यू वेरी मच। हम आते हैं आपके पास, 1 करोड़ का फायदा होने वाला है हमें। अब तो आपकी बहू के कदम शुभ हुए ना। अच्छा है तुम लोग आ गए, कुडवा भी बस आता ही होगा। और तुम्हारी बेटियां ना तुमको छुड़वा लिया ना। और वो टाइम पता नहीं कौन से जन्म का बदला ले रही थी हमारे कुटवा के पीछे पड़ के। कुटवा तू ठीक है ना? अरे कुछ बोलना। हाँ माँ, तुम निश्चिंत रहे, बिल्कुल ठीक है। धन्यवाद। अरे बुलबुलिया, अरे जल्दी से जाके आरती की थाली तो ला। हम अपने गुडवा की नजर उतारेंगे। बहुरिया, बेटी दामाद पग फेरे के लिए आए हैं, तुम भी उनकी नजर उतार दो। आओ इधर आ जाओ। कि आज शालू जी की पग फेरों की रस्म है तो वो आज यहीं रहेंगी। हमको जाना होगा एक साइट विजिट करनी। जाना तो ठीक है, लेकिन हम तुमको खाली पेट नहीं जाने देंगे। हाँ गुडवा, तू भी आराम कर ले। नहीं अम्मा, ये आराम करने का वक्त नहीं है, एक जरूरी काम है, बस उसको निपटा लूं, उसके बाद जिंदगी भर आराम करूंगा। ऐसा कौन सा काम है जो अभी का अभी करना जरूरी है? अरे पुलपुलिया से बता दो ना, वो कर देगी। अम्मा अम्मा, हमें बुलबुलिया की काबिलियत पर शक नहीं है। लेकिन कहा है कि कुछ काम इंसान को खुद करने पड़ते हैं। कागजात तैयार है ना? कागजात? कैसा कागजात? ललिता जी ने कहा है ना कि रंजू हमारी लीगल वाइफ है, वो नहीं। तो इसके चलते पहली बीवी होते
दूसरी बीवी से शादी करने का केस क्या है ललिता जी ने हम पर? लेकिन अभी अम्मा, रंजू ने रजामंदी दे दी है ना, उसने लिख दिया है कि हमारे और उसके बीच कोई रिश्ता नहीं। देखा जाए तो एक तरह से तलाक ही है ना। अरे नहीं बुटुआ, वो तो तुमको छुड़ाने के लिए ये सब कर रहे हैं। माँ तो छुट गए ना हम जेल से भी और रंजू से भी। अब हम ललिता जी को हमारा ईगल वाइफ का दर्जा देने जा रहे। चलो भुवन। समझ में नहीं आता रंजू किस मिट्टी की बनी है, जितना उसे पीछा छुड़ाने की कोशिश करते उतना हमारे गले पड़ जाती है। इस बार तो उसने हद ही कर दी है। मिश्रा जी को जेल से निकालने के लिए उसने पेपर पर लिख के दे दिया कि उसका और मिश्रा जी का कोई रिश्ता ही नहीं है। वाह। लेकिन मॉम, अब आगे क्या होगा? आगे वही होगा जैसा हम चाहेंगे। उसकी चाल को रास्ते का रोड़ाना बना दिया ना तो हमारा नाम भी ललिता मिश्रा ने उसके साइन किए हुए लीगल पेपर को ढाल बनाकर हम मिश्रा जी को मजबूर कर देंगे कि वो रंजू से कानूनी तलाक ले ले और हमें अपनी लीगल वाइफ बना दे। बट मॉम ये पॉसिबल कैसे होगा? डैड तो वहां जाके बैठे हैं ना, उस रंजू के घर में। वो कहीं पे भी जाके बैठे, तुम्हारे डैड को हमारे पास वापस आना ही होगा और वो जरूर आएंगे। ललिता जी, सुना बाबू आप हम जानते थे आप ललिता जी के बगैर नहीं रह सकते। आइए ना। सुना बाबू, जो कुछ भी हुआ उससे एक बात तो साफ हो गई है, उस रंजू को आपसे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए वो अपने असली रंग में आ गई है। बैठिए। असली रंग वो कैसे? शोना बाबू, आप कितने भोले हैं, आपको दिखाई नहीं देता। जैसे उसे पता चला कि आपके पास कुछ नहीं है, आप परेशान हो, तो उसने लीगल पेपर पर साइन करके आपसे पीछा छुड़ा लिया और उसकी चालाकी तो देखो, राजीनामा साइन करके उसे ये बता दिया कि उसकी वजह से आप जेल से छूटे हो। सोना बाबू, हम रंजू की तरह चालाक नहीं है, पर प्रॉब्लम ये है ना, हम जब अच्छा करने की कोशिश करते हैं हम ही बुरे हो जाते हैं। खैर, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन हमारे बारे में क्या सोचता है, क्यों सोचता है। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि हम आपसे बेहद मोहब्बत करते हैं और आपको पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं।
क्योंकि हम जानते हैं कि आप और हम सिर्फ एक दूसरे के लिए बने। पर कभी कभी उस रंजो की चालाकी से डर लगता है। ललिता जी, आपके इसी कभी कभी डर को हम हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने आए हैं। कैसे? रंजू ने हमारी जमानत के लिए जिस राजीनामा पर दस्तखत किया है, उससे साबित हो गया कि उसका हमारा कोई रिश्ता नहीं। अब हम आजाद हैं आपसे रिश्ता जोड़ने के लिए। पर हमने यही किया है, पर इसका सबूत है मेरे पास। हमने कोर्ट में ही एफिडेविट बनवा लिया है कि आप हमारी लीगल वाइफ हैं और रंजू हम भी कुछ भी नहीं। देखा लकी विकी, मैंने कहा था ना तुम्हारे डैड हमसे बहुत प्यार करते हैं, हमारे बगैर नहीं रह सकते, हम जानते थे। रीता जी, आपने हमारी बात पूरी होने नहीं दी। रंजू हमारी कुछ नहीं होकर भी सब कुछ हो गई। और आप हमारा सब कुछ होकर कुछ नहीं है। क्या मतलब? इसके साथ एक और कागज है। ये क्या है? ये तलाक के कागजात हैं। हमें आप तलाक चाहिए। इन कागजात पर साइन करने के लिए वरना कोर्ट से नोटिस आ जाएगा।
रंजू हमरी कुछ नहीं हो करती, सब कुछ हो छोड़े पर आप हमरा सब कुछ हो कर होकर कुछ नहीं है। दादी प्लीज आप परेशान मत होइए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अरे परेशान काहे ना हो, हम उस चुड़ैल को अच्छे तरीके से जानते हैं, वो किसी की सगी नहीं है, वो सिर्फ अपने लिए जीना जानती है। दादी बाबा गरीबनाथ है ना हमारे साथ, हमारे साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता। अरे ऊके अकल में पर्दा पड़ा हुआ है, वो का समझेगा का सोचेगा। और तुम्हारी माँ को हमने कहा था ना कि उस कागज पे दस्तखत नहीं करो, पर नहीं तुमको तो करना था ना। अरे हम जानते थे ऐसा ही कुछ होगा, वो डाइन को मौका मिल गया हमारे गुडवा को फिर से जंगल में फंसाने का। अम्मा जी मिश्रा जी बच्चे नहीं है, वो समझदार है, वो जो भी फैसला ले रहे हैं सोच समझ के ले रहे हैं। आप दवाई खाए। वो चाचा जी आ गए। कानूनी तौर पर बीवी का दर्जा दिया है हमने, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते तो अनीता जी को तलाक कैसे देते हैं। तलाक? हाँ अम्मा, भैया जी ने ललिता जी को तलाक के कागज भी दे के आए। तलाक का मिश्रा जी का ये फैसला सही है? हमारी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो रंजू है, तो क्यों ना ये प्रॉब्लम ही खत्म कर दें। अब वक्त आ गया है इस रंजू को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटाने का। तो हटा दो, किसका इंतजार कर रहे हो? उड़ा दो उसे, खत्म कर दो। ना रहेगा बास ना बजे की बांसुरी, खत्म कर दो उसे। छोला बाबू ने ठीक नहीं किया। थैंक यू मॉम। हम बस कीजिए, आप दोपहर से पी रहे नॉट सिर्फ। मॉम ऐसे नशे में डूब के क्या होगा, डैड को उसका जवाब तो देना ही होगा ना। ऐसे शराब पी के तो नहीं दे सकती ना, ऐसे तो रंजू और उसकी बेटियां जीत जाएंगी। नहीं जीत सकती वो, हम उसे कभी जीतने नहीं देंगे। सुना, दो टके की छोड़ी हुई औरत, हम उसे मिश्रा जी की जिंदगी से दूर करना चाहते थे और उसने क्या किया, उसने हमें मिश्रा जी की जिंदगी से निकाल दिया, हमें। और अब क्या होगा पता है, अब लोग हमें छोड़ी हुई औरत कहेंगे। हमारी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो रंजू है, तो क्यों ना ये प्रॉब्लम ही खत्म कर दें। अब वक्त आ गया है
इस रंजो को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटाने का। तो हटा दो, किसका इंतजार कर रहे हो? उड़ा दो उसे, खत्म कर दो। ना रहेगा बास, ना बजे की बांसुरी, खत्म कर दो उसे। नहीं मॉम, ऐसा कोई कुछ नहीं कहेगा। सर हम होने भी नहीं देंगे लकी, कभी नहीं होने देंगे। हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, किसी को भी नहीं, हम नहीं करने देंगे। सब कुछ छोड़ो मॉम। मॉम, हमारी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो रंजू है, तो क्यों ना ये प्रॉब्लम ही खत्म कर दें। अब वक्त आ गया है इस रंजू को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटाने का। तो हटा दो, किसका इंतजार कर रहे हो? उड़ा दो उसे, खत्म कर दो। ना रहेगा बास, ना बजे की बांसुरी, खत्म कर दो उसे। हमने रंजो को रास्ते से हटाने के लिए उसके पीछे कॉन्ट्रैक्ट किलर भेज दिए। तुम हो कहां पर और तुम्हारी माँ कहां पर इस वक्त? देखो तुम्हारी माँ की जान खतरे में है, अटैक होने वाला है उनपे, बचा लो उन्हें। हमने रंजो को रास्ते से हटाने के लिए उसके पीछे कॉन्ट्रैक्ट किलर भेज दिए। तुम हो कहां पर और तुम्हारी माँ कहां पर इस वक्त? देखो तुम्हारी माँ की जान खतरे में है, अटैक होने वाला है उनपे, बचा लो उन्हें।